बीते दिन ही घर के अंदर दाखिल होकर जवान कुड़ी नूं खत्म करन दे मामले दे विच एक सनसनीखेज खुलासा होया। दसदी है कि एक कुड़ी उस मुंडे नूं पहलां तो जानदी सी जिसके वल्लों इस दुखद कार्य नूं अंजाम दिता गया। घर के अंदर अपनी दादी दे नाल मौजूद उस कुड़ी नूं तेज़धार हथियारां दे नाल बीते दिन ही घर दे विच वड़ के खत्म किया गया सी। दिन दिहाड़े इस वारदात नूं अंजाम दिता गया सी। करीब 12 बजे दे नेड़े तेड़े यह सारी घटना वापरी सी। जदों कुड़ी दे मापे बाहर गए हुए सन तां घर दे अंदर दाखल होकर इस 19 साल दी जवान कुड़ी दी जान लै ली गई सी। वह जान लैण वाला व्यक्ति कोई होर नहीं सगों इसे कुड़ी दा एक पागल प्रेमी निकलिया जिस दे वलों एक तरफा प्यार इस कुड़ी दे नाल कीता जांदा सी। जिस दे चलदे हुए उसने कुड़ी नूं ना सिर्फ खत्म किया सगों उसका चेहरा तक विगाड़ दिता सी। उसका मोबाइल फोन खोण की कोशिश की गई सी। उसनू भजदे हुए पिंड वालिया ने देखा सी। रातों रात पुलिस ने उस मुंडे नू हिरासत दे विच लै लिया जिसका नाम गुरप्रीत सिंह है। बीते दिन ही घर दे विच जदों एक 19 साल की जवान कुड़ी अपनी दादी दे नाल घर दे विच मौजूद सी तां उसके उपर ताबड़तोड़ हमला करके उसकी जान लैण का दुखद मामला सामने आया सी। ये भी पता लग्या सी कि उसका फोन लैके वह मुंडा फरार हो गया और उस मुंडे नू भजदे हुए ना सिर्फ इस कुड़ी की दादी ने सगों पिंड दे विच बनी हुई दुकान ते बैठे दुकानदार ने भी उसनू भजदे हुए देखा सी। इस पूरे मामले नू सुलझांदे हुए पुलिस ने पता लगा लिया है कि आखिरकार कुड़ी की जान लैण वाला कौन सी। ये सारा मामला एक तरफा प्यार दा है। वह मुंडा कुड़ी नू बेहद प्यार करता सी इस गल का दावा कर रहा है, पर यह किसी भी तरह के नाल प्यार नहीं हो सकता जिस दे विच ओह किसी की जान लै लवे। नौजवान कुड़ी नू भेद भरे हालातों के विच खत्म करन तो बाद ओह पिंड तो फरार होण दे विच तां कामयाब हो गया, पर ऐन मौके ते ही पुलिस के हाथ कई सुराग लगे सन जिसके चलते हुए हुण इस मुंडे नू खन्ना तो गिरफ्तार किया गया। सरदार मुंडा जिसका नाम गुरप्रीत सिंह है एक पासड़ प्यार नू लैके इसके वलों कुड़ी नू खत्म किया गया ते पुलिस ने हुण इस नू काबू करके कई गल्लां दे खुलासे किए ने। लुधियाणा के जगराओं के पिंड चिमना दे विच गुरमनजोत कौर नू बीते दिनी तेज़धार हथियारों के नाल खत्म किया सी। आयल्स कर दी कुड़ी दा ओ हशर किया गया जिसनू देख के पिंड वाले कंब गए सन। इस पूरे मामले नू लैके पुलिस वालियां दे वलों खन्ना तो इस मुलजम नू गिरफ्तार किया गया। इस संबंधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी छेती ही पुलिस कर सकती है। दस दिए कि मुलजम गुरप्रीत सिंह लड़की नू खत्म करके अपने बाइक ते फरार होया सी जिसनू देर रात पुलिस ने काबू कर लिया। सूत्रों मुताबक यह व्यक्ति लड़की नू एक तरफा प्यार करता सी जिसके कारण इसने कुड़ी की जान ली। इस तो सख्ती दे नाल पुछगिछ की जा रही है जिसके कई तरह के खुलासे होने हले बाकी ने। बीते दिन ही जदों इस कुड़ी के मापे दवाई लैण दे लई बाहर गए हुए सन उस समय इसके उपर हमला किया गया। पहला ही पशुओं वाले वाड़े दे विच लुक के बैठे मुंडे ने कुड़ी ते हमला किया अते उसकी जान लै ली। अपनी पोती दियां आवाज़ां सुन के अंदरों दादी भज्जी भज्जी आई अते उसने देखा कि गुरमनजोत बुरी तरह के नाल खून के नाल लथपथ सी अते उसनू बचाउण दी कोशिशां दे विच सारा पिंड उस समय लग गया। कुड़ी दे मापिआं नू इस गल की जानकारी दित्ती गई, पर जिस समय तक मापे आए काफ़ी देर हो चुकी सी। पुलिस नू भी जानकारी पिंड वाले पहला ही दे चुके सन। पता लग्या कि इस कुड़ी का मोबाइल फोन खोण दे लई अते उसकी धोण दे उपर तेज़धार हथियारां दे नाल वार करन तो बाद उसकी जान ली गई। घटना बारे सूचना मिलन ते वड्डी गिणती दे विच पुलिस भी पहुँच चुकी सी। जवान कुड़ी घर दे विच इकल्ली सी, दादी जरूर मौजूद सी पर वह अंदरले कमरे दे विच सी। जिस समय कुड़ी बाहर आती है उदों मुंडे ने हमला करके इसकी जान ली। मृतक लड़की के पिता पाल सिंह ने जानकारी देंदे हुए दस्या सी कि वह अपनी पत्नी दे लई माता दी दवाई लैण दे लई ही जगराओं गए हुए सन कि पिंड दे व्यक्ति दा फोन आया कि घर दे विच इह सब कुछ हो गया। बीते दिन ही वड्डी गिणती दे विच पहुंची पुलिस ने उस समय ही कहा सी कि कई सबूत हाथ दे विच लगे ने ते छेती ही मुलजम नू फड़ लिया जाएगा। बीती रात ही गुरप्रीत सिंह नाम दे इस नौजवान मुंडे नू फड़ लिया गया जो कि आयल्स कर दी इस जवान कुड़ी नू प्यार करन दा दावा कर रहा है, पर यह किसी भी पासों प्यार नहीं हो सकता जिसके विच तुसी किसी की जान लै लवो। प्यार हमेशा खुशियां ते दुआवां वंडदा है, जदों कि दूसरे पासे इस मुंडे ने ओ कारा कर दिता जिसका पछतावा इस नू उम्र भर दे लई जेल दे विच बैठ के होवेगा कि इसने गुरमनजोत जो कि 19 साल दी आयल्स कर दी कुड़ी सी उस दी जान लै ली।
ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਇਆ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਹੋਇਆ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਾ ਲਓ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਜੇ ਕਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਵਾਕ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕੁਛ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜੀ ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਚੀਮਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਸੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਬੇਟੀ ਦਾ ਗੁਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਉਮਰ 19-20 ਸਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਘਰੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦਾਦੀ ਪੋਤੀ ਘਰੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਘਰੇ ਆਇਆ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਓ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਬੇਟੀ ਰਾਹ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ ਪਿੰਡ ਚੀਮਨਾ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੱਲੇ ਸੀ ਘਰ ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਗਲੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਕਲੂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਸਐਚਓ ਸਦਰ ਸੀਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਸਰ ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ